जी अब आ रही है आवाज। हेलो, कैन यू हेयर नाउ? ओके, सो दोबारा से मैं आपको जरा एक बार ब्रीफ कर दूं। हमने टॉपिक जो डिस्कस किया था कल, दैट वाज जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ पॉजिटिव आउटकम ऑफ अ जॉब, और पॉजिटिव आउटकम जो है वो किसी भी जॉब के अंदर आप डेवलप करवाते हैं बाय अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, बाय अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन, बाय प्रोग्रेशन, प्रोमोशनल इंसेंटिव, डिफरेंट तरीके होते हैं। जो हायरार्की है आपके परसेप्शन से बिहेवियर की, सबसे पहले परसेप्शन होती है। एट द वेरी बेसिक लेवल देर इज परसेप्शन। परसेप्शन टॉक्स अबाउट द प्रोसेस थ्रू विच वी गिव मीनिंगफुल पिक्चर्स आउटसाइड वर्ल्ड। परसेप्शन से आप ट्रांसफॉर्म करते हैं एटीट्यूड्स। एटीट्यूड जो है ये आपकी हिडन इंटेंशन होती है, वट एवर यू फील एट हार्ट, वट एवर यू हैव इनसाइड योर हार्ट। एटीट्यूड के हमने तीन लेवल डिस्कस किए थे। वी डिस्कस थ्री लेवल ऑफ एटीट्यूड: कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियोरल। बिहेवियोरल एटीट्यूड का वो कॉम्पोनेंट है जिसमें आप एक डिसीजन ले लेते हैं कि आपने बिहेव कैसे करना है, और जब आप इसे अपने एक्शन में ट्रांसलेट करते हैं, इट बिकम्स योर बिहेवियर। व्हेन बिहेवियोरल कंपोनेंट इज एक्चुअली ट्रिगर्ड, वो आपका बिहेवियर बन जाता है। जॉब के हवाले से बिहेवियर दो किस्म के होते हैं। पॉजिटिव बिहेवियर जो है ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के अंदर, और नेगेटिव बिहेवियर जो है ये रिफ्लेक्ट करता है जॉब स्ट्रेस के अंदर। पॉजिटिव बिहेवियर रिफ्लेक्ट इन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड नेगेटिव बिहेवियर रिफ्लेक्ट इन द स्ट्रेस। बेसिकली बिहेवियर इज समथिंग विजिबल। बिहेवियर जो है ये विजिबल होता है, दैट इज विजिबल। हमने जो कल बात की थी आइसबर्ग ऑफ एटीट्यूड के ऊपर, हमने डिस्कस किया था 90% जो हिडन है दैट इज योर एटीट्यूड, एंड दैट इज विच इज विजिबल ये आपका बिहेवियर है, जो सिर्फ 10% होता है आपके किसी भी फ्रेमवर्क का। जो नजर आ रहा होता है वो सिर्फ 10% होता है, और उसके पीछे 90% हिडन कॉम्पोनेंट होता है। तो जो स्ट्रेस आपकी शो होती है, इसका मतलब है कि इससे पहले डिजास्टर हो चुका है, इससे पहले आपके नेगेटिव एटीट्यूड इतने ज्यादा बिल्ड हो गए हैं कि नाउ यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन योर हार्ट एंड यू हैव टू पोर्ट्रेट। आपको पोर्ट्रे करना है उसको, अब आपको डिपिक्ट करना है, दिखाना है। तो स्ट्रेस जो है ये एक नेगेटिव फिनोमेना है, जो एक फीलिंग ऑफ टेंशन है, एग्जॉस्टन है, जो एक जॉब से आती है बेस्ड ऑन ओवरली डिमांडिंग वर्क और बेस्ड ऑन एक्सेसिव वर्क। एक्सेसिव या ओवरली डिमांडिंग वर्क जो है, इससे जो चीज पैदा होती है दैट इज नोन एज स्ट्रेस। इसे हम नाम देते हैं स्ट्रेस का। स्ट्रेस के इंपैक्ट फिजिकल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं। इट इज अ हार्मफुल फिजिकल एंड इमोशनल कंडीशन विच अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एट द जॉब। स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा रीजन आजकल के दौर में आइडेंटिफाई किया गया, वो डिमांडिंग वर्क है। मेन जो रीजन है, इतनी डायनामिक एनवायरमेंट में, इतनी टर्बुलेंट एनवायरमेंट में, दैट इज डिमांडिंग वर्क। डिमांडिंग वर्क बहुत जल्दी स्ट्रेस क्रिएट करता है। और भी रीजन है, फॉर एग्जाम्पल मेंटल एनर्जीज, जैसे मोनोटनी। मोनोटनी का भी हमने डिस्कस किया था। मोनोटनी कहते हैं एक ही काम को बार बार करने को, रेपिटेशन ऑफ वर्क, डूइंग समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, ये मोनोटनी ले आती है। फीलिंग ऑफ फेलियर, इफ यू आर फेलिंग ओवर एंड ओवर अगेन तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिलीव दैट यू आर नो मोर सिक्योर्ड इन द कंपनी, कोई भी आगे आपको जॉब से निकाल सकता है, वो अपना डाउनसाइजिंग कर रहा है इदारा फॉर एग्जाम्पल, तो भी आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस जो होता है किसी भी इदारे में, ये बहुत सारे आपके फिजिकल सिम्टम्स के थ्रू रिवील होता है। और स्ट्रेस के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। तीन लेवल्स होते हैं स्ट्रेस क्रिएटिंग फैक्टर्स हैं। उसमें सबसे पहले आपके अपने जॉब रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, फिर आपके एनवायरमेंट अपना रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, और उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेस हैज अ वेरी डिटेल्ड इंपैक्ट ऑन द वे यू बिहेव एंड द वे यू डेविएट फ्रॉम योर नॉर्मल बिहेवियर। ये सिम्टम्स कहलाते हैं, हम स्ट्रेस के सिम्टम्स कहते हैं। यस एग्जैक्टली, एनवायरमेंट अभी डिस्कस करते हैं ना। एनवायरमेंट जो है आपकी, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी डिक्लाइनिंग है पूरी दुनिया की,
या आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइनिंग है फॉर एग्जाम्पल, या इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो अब ये इदारे के बाहर का फैक्टर है जो आपको स्ट्रेस में ले जाएगा। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आप जितना मर्जी अर्न कर लें, यू आर अनएबल टू मीट द एक्सपेंसेस। ये वो फैक्टर है इन्फ्लेशन का जो इदारे से बाहर है और ये आपको स्ट्रेस में ले जाता है। यू आर अनएबल टू मेंटेन अ सर्टन लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, तो ये चीज आपको स्ट्रेस में ले जाएगी। स्ट्रेस का जो रेडिली विजिबल कंपोनेंट होता है वो आपके चेंजेस होते हैं बिहेवियर्स के, सिम्टम्स जो एक नॉर्मल बिहेवियर से आपको हट के बिहेव करने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, बिहेवियरल सिम्टम्स जो स्ट्रेस के होते हैं वो बहुत सारे हैं, उसमें एक लंबी लिस्ट आपको दी गई है, मतलब इसमें से एटलीस्ट 5-7 सिम्टम्स आपको आने चाहिए जो किसी भी स्ट्रेस के अंदर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग इन ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगेन पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है दैट व्हेन दे आर इन अ स्ट्रेस दे स्टार्ट ईटिंग मोर, मतलब जब लोग जो है वो टेंशन में होते हैं तो बहुत खाते हैं और अक्सर लोगों की भूख उड़ जाती है। ठीक है, तो ईटिंग हैबिट्स का चेंज होना मींस यू माइट स्टार्ट ईटिंग मोर एंड मोर, और यू माइट स्टार्ट और यू माइट यू नो सिंपली लीव ईटिंग एनीथिंग। इसी तरह स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, ये भी वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदा अगर स्ट्रेस में होता है उसकी नींद उड़ जाती है, ही एंटर्ड इनटू अ फेज ऑफ नॉन स्लीपीनेस, और अगर कोई दूसरा बंदा स्ट्रेस में होगा तो ही विल स्टार्ट स्लीपिंग इवन मोर आवर्स। ठीक है, जैसे आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, इफ आई एम इन सम सॉर्ट ऑफ टेंशन तो आई स्टार्ट स्लीपिंग मोर। प्रोक्रेस्टिनेशन, थिंकिंग टू मच, बहुत ज्यादा सोचना, आप बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, यू स्टार्ट थिंकिंग टू मच। फील ऑफ आइसोलेशन, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, नेल बाइटिंग, ये भी एक ऑब्जर्वेबल फैक्टर है जो आपका स्ट्रेस को अपना जो है वो दिखाता है। एंग्जाइटी, डिप्रेस्ड, फटीग, जल्दी थक जाना। ठीक है, लूजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ, ये आपकी फटीग होती है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, यू स्टार्ट लूजिंग योर फिजिकल स्ट्रेंथ। देन लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। सोशल विड्रॉल, ये जो अभी हमने बात की आइसोलेशन की, ये सोशल विड्रॉल होता है, आप लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, यू स्टार्ट यू नो स्टेइंग अलोन। स्टमक प्रॉब्लम्स, हेडेक्स, ये अल्सर का जो मसला होता है ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस की वजह से होता है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा जिनकी ईटिंग जो प्रॉब्लम है उस वजह से उनकी अल्सर डेवलप हो जाते हैं। यू स्टार्टिंग यूजिंग सम ड्रग, ड्रग एडिक्शन आ जाती है, एल्कोहल, एपेथी, एपेथी का मतलब होता है दुनिया से बड़ी जमा हो जाना, एपेथी का मतलब होता है लूजिंग एवरीथिंग, मतलब आप बिल्कुल जो है वो इमोशन लेस हो जाते हैं, एपेथी मींस इमोशन लेस। ऑल ऑफ दीज आर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, ये तमाम के तमाम जो है ये स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं, नॉट नेसेसरली कि ये सारे के सारे सिम्टम्स एक इंसान में पाए जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सिम्टम्स में वेरी। ठीक है, बट एटलीस्ट यू मस्ट बी नोइंग कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं स्ट्रेस के। अच्छा, ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं जॉब स्ट्रेस के, कौन कौन सी चीजें जो है वो स्ट्रेस को ट्रिगर करती हैं, स्ट्रेस को लेके आती हैं किदारे के अंदर। तीन फैक्टर्स होते हैं जो जॉब स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, दे आर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स होते हैं, ये आपके इदारे के अंदर के फैक्टर्स होते हैं, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के अंदर के फैक्टर्स होते हैं। और तीसरे होते हैं आपके पर्सनल फैक्टर्स, द थर्ड कैटेगरी इज नोन एज योर पर्सनल फैक्टर्स, ये आपके जात के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, पेस्टल, एग्जैक्टली, पूरा पेस्टल ही है ये, आप देखें अगर आप गौर करें तो आउटसाइड जो फैक्टर्स है ये पूरे का पूरा पेस्टल ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये जस्ट लुक एट दी फैक्टर्स, इसके अंदर आपको पूरा पेस्टल नजर आएगा। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है जी, इसी तरह श्रिंकिंग इकोनॉमी, इकोनॉमिक फैक्टर है। शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, इकोनॉमिक फैक्टर है। थ्रेट ऑफ पोलिटिकल चेंज आपका, ये दैट इज अ पोलिटिकल फैक्टर। लीगल फैक्टर, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला आ गया, लीगल फैक्टर है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है जी, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं, ये आपका नेचुरल फैक्टर है, ये आपका इकोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, नेचुरल और इकोलॉजिकल, बेसिकली ये पूरा पेस्टल ही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अनकंट्रोल, ये वाले फैक्टर्स यू कैनॉट कंट्रोल देम, दीज फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
यू कैन नॉट कंट्रोल दीज फैक्टर्स. आपको अपने आप को एडजस्ट करना है इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली, बट आप इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. ये बड़ा एक सिंपल सा फिनोमेना है. ये वाले फैक्टर्स जो है, दीज फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल. ये वाले फैक्टर्स जो है ये कंट्रोलेबल है, इनको आप या आपका इदारा कंट्रोल कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल. ये वाले फैक्टर्स हैं ये कंट्रोलेबल है. फॉर एग्जाम्पल अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल वर्क रिलेटेड हैजर्ड है, जैसे जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, या आर्म्स एंड एमिनेशन की जो फैक्ट्रीज होती हैं, जहां पे बहुत ज्यादा लाइफ रिस्क पे होती है, वहां पे ये एक स्ट्रेस में एम्प्लॉइज को ले जाते हैं. एक्सेसिव नॉइज, एक्सट्रीम पर प्रेशर टू परफॉर्म, डिमांडिंग वर्क, ये आजकल के दौर का सबसे बड़ा रीजन है जॉब स्ट्रेस के अंदर. डिमांडिंग वर्क, काम की आपसे दिन ब दिन डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है. मोर एंड मोर पीपल आर यू नो डिमांडिंग मैक्सिमम वर्क फ्रॉम यू, क्योंकि टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है एनवायरमेंट के अंदर. एनवायरमेंट के अंदर जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. दिन ब दिन आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं आप अपनी अचीवमेंट के ऊपर, और उसके लिए फिर एक्सट्रीम प्रेशर टू परफॉर्म जो है ये आपको स्ट्रेस में ले जाता है. इदारे आजकल के दौर में चूंकि कॉम्पिटिशन में है, कंपनीज आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग अ सीवियर कॉम्पिटिशन लेवल, और ये जो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन है ये डिफाइन करता है कि आप किस तरह से स्ट्रेस में एंटर होंगे. इसी तरह वी हैव सम अदर फैक्टर्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल रोल कॉन्फ्लिक्ट, पीपल आर हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक इदारे के अंदर जो डिमांड है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, यानी एक ही काम पे अगर दो लोग काम कर रहे हैं, टू पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम जॉब, तो रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. इसी तरह रोल एम्बिग्विटीज होती हैं. ब्यूरोक्रेसी के अंदर स्ट्रेस कम होता है क्योंकि रोल्स आर वेरी मच क्लियर, लेकिन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर के अंदर, इफ यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर, इफ यू टॉक अबाउट एडहोक्रेसी, तो वहां पर रोल एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा होती है. जब रोल्स क्लियर ना हो, जब ड्यूटीज क्लियर ना हो, लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर ना हो. हमने पढ़ा था मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की हमने बात की थी. अब मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ड्यूअल अथॉरिटी होती है. वी टॉक्ड अबाउट मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन विच वी डिस्कस दैट देयर इज ड्यूअल अथॉरिटी इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. अब यहां पे जब एक ही एम्प्लॉई को दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो बंदा जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगा. ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेस. अनसेटिस्फैक्ट्री इन द पर्सनल और हॉस्टाइल रिलेशनशिप. हॉस्टाइल का मतलब होता है डराने धमकाने वाली फिजा जो होती है. When your supervisors are threatening you, तो एक hostile environment create हो जाती है. ये भी आपको stress में ले आती है. या for example, job के अंदर repetitive nature है, monotony है. अभी हमने ऊपर word use किया monotony का. If job are monotonous, तो आपको job stress में ले आएंगे. Job जो है which require adherence to stringent working conditions, बहुत tough working conditions हैं, ये भी आपको stress में ले आती है. ये भी point ऊपर जो अब discuss हुआ. जॉब दो आर परसीव टू बी ऑफ मीनियल नेचर. मीनियल मीन वेरी लो लेवल. फॉर एग्जाम्पल जेनिटोरियल जॉब होती है, लेट सपोज, या ऐसी जॉब जिनकी सोसाइटी की तरफ वैल्यू बहुत कम होती है, ये जॉब भी ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है. जॉब जो है ना वो दो किस्म की होती है, एक होती है व्हाइट कॉलर जॉब और एक होती है ब्लू कॉलर जॉब. देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ जॉब. किसी भी इदारे के अंदर दो किस्म की जॉब पाई जाती है. वन इज नोन एज व्हाइट कॉलर and one is known as blue collar. White collar jobs जो है ये prestigious jobs होती हैं. They are the prestigious jobs. Blue collar jobs जो है ये low value jobs होती हैं. For example, janitorial staff है, janitors हैं company के, ये सफाई का अमला जो होता है. For example, आपके पीएन. व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर मैनेजरियल जॉब्स होती हैं, मैनेजर्स होते हैं इसके अंदर. व्हाइट कॉलर जॉब्स के अंदर यू हैव सीनियर एग्जेक्टिव, ये सारी आपकी व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं. जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं इनके अंदर स्ट्रेस के चांसेस ज्यादा होते हैं. दे आर प्रोन मोर टू स्ट्रेस. इनमें जो स्ट्रेस है उसके चांसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं. दे आर प्रोन More to stress. So basically, किसी भी इदारे के अंदर यहाँ पे वेरी क्लियर कि जॉब की नेचर क्या है. एनी हाउ ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, दे आर रेडली कंट्रोलेबल, इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं. इसी तरह पर्सनल फैक्टर्स भी कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ अन दे आर सर्टन टू सम एक्सटेंट दे आर कंट्रोलेबल, एंड सर्टन एक्सटेंट दे आर अनकंट्रोलेबल.
जो आपकी जॉब की नेचर है ये आपके स्टेटस और फाइनेंशियल रिवॉर्ड के ऊपर भी बेस करती है. एग्जैक्टली बिल्कुल. व्हाइट कॉलर जॉब आर हाई रैंक इन द स्टेटस एंड व्हाइट कॉलर जॉब जो होती हैं आपकी, इनके अंदर आपका जो ओवरऑल रिवॉर्ड है वो बेहतर होता है, वो ज्यादा होता है. पर्सनल फैक्टर्स कैन बी कंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंट और दे माइट बी अनकंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंट. पर्सनल फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, पुअर हेल्थ है, ये कंट्रोलेबल है. यू कैन मेक योर ईटिंग हैबिट्स बेटर टू कंट्रोल योर हेल्थ. मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं आपकी, अजदवाजी जिंदगी के मसाइल हैं, ये भी एक पर्सनल फैक्टर है. यू आर नॉट हैविंग अ गुड मैरिटल अपना रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, तो फिर ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये भी कंट्रोलेबल है. अनडिसिप्लिन चिल्ड्रन, ये भी कंट्रोलेबल है. ठीक है, डेथ ऑफ अ क्लोज रिलेटिव, ये अनकंट्रोलेबल है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट. ठीक है, हाउ कैन यू कंट्रोल समवन फ्रॉम बींग डेड. ठीक है, इनएडिक्वेट इनकम टू मीट अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है. पर्सनल लीगल डिस्प्यूट्स, आपके कुछ जाती जमीन के मसले चल रहे हैं, जायदाद के झगड़े हैं, ये भी कंट्रोलेबल है, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो पर्सनल फैक्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंट्रोलेबल एंड सम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर प्योरली अनकंट्रोलेबल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर आर प्योरली कंट्रोलेबल, इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो जॉब स्ट्रेस लेके आते हैं. दे आर द थ्री की फैक्टर्स दैट ब्रिंग द जॉब स्ट्रेस इन ऑर्गेनाइजेशन, ये स्ट्रेस लेके आते हैं. स्ट्रेस एक इनएविटेबल रियलिटी है, स्ट्रेस इज एन इनएविटेबल रियलिटी. इनएविटेबल मीन अनअवॉइडेबल, यानी ये इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा ये कहे कि मैं कभी स्ट्रेस में नहीं जाता, या कोई बंदा ये कहे कि जी मुझे जॉब स्ट्रेस नहीं है. जब एक चीज इनएविटेबल है, मीन जब एक चीज लाजमी एग्जिस्ट करनी है, देन हाउ टू कूप अप विद इट, उसके साथ कोप अप कैसे किया जाए, उसके साथ कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए आपकी. जब एक चीज आनी ही आनी है तो फिर उसे आपने कोप कैसे करना है, मीन्स उसे आपने मिनिमाइज कैसे करना है. स्ट्रेटजीज बेसिकली डिस्कस हाउ टू मिनिमाइज द स्ट्रेस फ्रॉम अ जॉब. जो एक स्ट्रेस आपको एक जॉब से मिलता है, उस स्ट्रेस को मिनिमाइज कैसे किया जाए, ये होती है जॉब स्ट्रेस की कोपिंग स्ट्रेटजी. दे आर मल्टीपल इन नेचर. सबसे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करती है आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. बड़ी सिंपल सी बात है, इफ यू डोंट लाइक इट जस्ट से इट. आपके कोई तजाद चल रहे हैं अपने बॉस के साथ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि बॉस इज रॉन्ग, तो जस्ट गो टू हिम एंड जस्ट टेल हिम कि ये मसला है आपको. जितना आप ओपनली कम्युनिकेट करेंगे, उतना आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा. आइडेंटिफाई करें नी जर्क्स को. नी जर्क कहते हैं ऐसे इवेंट्स जो ठोकर लगाए आपको. रोजमर्रा के जो आपके दफ्तरी मामलात होते हैं, उसमें बहुत सारे नी जर्क्स होते हैं. नी जर्क ऐसे इवेंट को कहते हैं जो हर्डल क्रिएट करे आपके रूटीन में, आपके काम में. तो अपने नी जर्क्स को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, जो आपकी नेगेटिव एटीट्यूड को मैनिफेस्ट करते हैं, ग्रो करवाते हैं, उनको डेवलप कराते हैं, एंड देन ट्राई टू मैनेज दी सिचुएशन, या उनको अवॉइड करें, या उनको ना होने से आप जो है वो उसको होने से रोकें. ये नी जर्क्स को मैनेज करना भी एक एम्प्लॉय का काम होता है. आपको पता है, यू नो दैट, कि अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू सी और व्हेन यू मीट योर बॉस विद एनी डिमांडिंग थिंग, तो बॉस एकदम गुस्से में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल. तो ये आप इसे अवॉइड कर सकते हैं ना. डू नॉट डिमांड एनीथिंग इन अर्ली इन द मॉर्निंग. जनरली एक रिसर्च कहती है कि बॉस के पास किसी भी काम को लेकर जाने का बेस्ट टाइम जो है वो 11 से लेकर लंच ब्रेक के दरमियान होता है. सुबह अर्ली अगर आप अपने बॉस को परसू करते हैं, तो उसमें नी जर्क ज्यादा होता है, उस सुबह सुबह टेंशन होती है, काम का लोड होता है, तो उस वक्त वो शायद आपकी बात ना सुने. इसी तरह लंच आवर्स के बाद काम को पैकअप करने का प्रेशर होता है, शायद तब भी आपकी बात ना सुने. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्रूविंग योर फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग. अपने आप को टाइम दें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को बेहतर करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ये आपके अपने कंट्रोल में है ना. अपनी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखें. ये काम आप कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू इंप्लीमेंट दीज स्ट्रेटजीज. आप अपनी बैड हैबिट्स को रिमूव करें, ठीक है, अपने सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स को एलिमिनेट करें. सेल्फ डिफीटिंग मीन्स अपने आप को फेलियर करवाने वाले जो आपके बिहेवियर्स हैं, ऐसे बिहेवियर जो आपको खुद को फेल करवा दें. जी बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स अनअवॉइडेबल होते हैं, बट एटलीस्ट जो अवॉइडेबल है उनको अवॉइड करें ना. अगेन मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप 100% स्ट्रेस को एलिमिनेट कर लेंगे. अब एक फैक्टर जो अनअवॉइडेबल है वो तो आपको स्ट्रेस में लेके ही जाएगा, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू मिनिमाइज इट. आपको उसको मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करना आपके हाथ में है ना. एटलीस्ट यू कैन अवॉइड विच आर अनअवॉइडेबल. नेगेटिव थिंकिंग से
पॉजिटिव थिंकिंग पे आए, पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक बने, पेसिमिस्टिक अप्रोच से निकल के ऑप्टिमिज्म पे आए, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, देन टाइडी अप योर एक्ट, बी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी, ये सारे आपके काम के अवॉइडेबल इश्यूज हैं, अपने स्केड्यूल को डिफाइन करें, परफेक्शनिज्म को रिजिस्ट करें, नो वन कैन बी परफेक्शनिस्ट, कायनात में अगर कोई परफेक्शन है तो अल्लाह की जात है, दैट्स इट, और कोई परफेक्शन नहीं है अपना इस दुनिया के अंदर, तो आप जितना परफेक्शनिस्ट होना चाहेंगे उतना स्ट्रेस में आएंगे, एरर्स के चांसेस हमेशा होते हैं, पढ़ा होगा ना आपने, टू एर इज ह्यूमन, एक मुहावरा भी है, एक प्रोवर्ब है, टू एर इज ह्यूमन, गलती इंसान से ही होती है, गलती जो है वो फरिश्तों से नहीं होती, इंसान से ही होती है, डिस्पेल करें स्ट्रेस को, डिस्पेल का मतलब होता है इसको डाइवर्ज करें, अपना ध्यान जो है वो चेंज करें, अपनी तवज्जो किसी और तरफ लगाएं, फॉर एग्जाम्पल लुक फॉर ह्यूमर इन द सिचुएशन, मजाक करें, जोक्स क्रैक करें, ताकि आपका जो करंट स्ट्रेस लेवल है वो डिस्पेल हो, वो टूटे, ठीक है ना, डाइवर्जेंस आए, ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज हैं, फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट विद अदर नेटवर्क, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू दूसरों के साथ लिंक क्रिएट करें, ये नेटवर्किंग है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेटवर्किंग, जितनी आप नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करते हैं आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, टॉक इट ओवर विद समवन, ठीक है, मेंटोरिंग, ये आपके मेंटोर्स होते हैं, स्ट्रेस को कम करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका होता है मेंटोर से बात करें, हमने यार फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मेंटोर और कोच का डिफरेंस, कोच वो होता है जो आपके अंदर टेक्निकल स्किल को डेवलप करे, और मेंटोर वो होता है जो आपको गाइड करे, टेक अ ब्रेक, गो फॉर अ वॉक, विजिट जिम, ठीक है, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को एनहेंस करें, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना, अपनी ई आई को मजबूत करें, इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर इस दफा एक्सपेक्टेड है कि कोई 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली इस तरह आपका आई क्यू होता है, इस तरह ई क्यू होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, इसी तरह आपका एक इमोशनल क्वेश्चन होता है, इमोशनल क्वेश्चन मैयर करती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को, और आई क्यू मैयर करता है आपकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को, आपकी थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है ये आपका आई क्यू है, आपके जज्बात कितने स्ट्रांग है ये आपका ईक्यू है, हमने डिस्कस किया था ना इंसानी दिमाग के जो 2 हिस्से हैं, एक तरफ है कॉग्निटिव ब्रेन और एक तरफ है इमोशनल ब्रेन, जो आपका लेफ्ट ब्रेन है ये आईक्यू बेस्ड होता है, जो आपका राइट ब्रेन है ये ईक्यू बेस्ड होता है, ये इमोशनल क्वेश्चन पे काम करता है, तो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करें, ट्राई टू इंप्रूव योर इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है आपकी, ये कैसे स्ट्रांग की जा सकती है, इसके 4 एरियाज होते हैं, ये एक मैट्रिक्स होती है 4 एरियाज की, सबसे पहला काम होता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, नो योर ओन सेल्फ, आपको बताओ कि आपके इमोशनल ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें आपके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं, कौन कौन सी चीजें आपके इमोशंस को मेंटेन करती हैं, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है नोइंग योर ओन सेल्फ, देन वी हैव सेल्फ मैनेजमेंट, जो भी हमने ऊपर बात की है, टाइडी अप योर एक्ट, टाइम पे आए, स्केड्यूल बनाए, अपने आप को मैनेज करें, हैसल से बचें, ठीक है ना, एग्जैक्टली, प्लानिंग द इवेंट्स ऑटोमेटिकली अपना रिड्यूस कर, ये प्लान ही है ना, सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली आपकी सेल्फ प्लानिंग है, जब भी आप किसी काम को प्लान करके करते हैं तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं फेलियर के, और जब चांसेस कम होंगे फेलियर के ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आएगी उसके अंदर, सोशल अवेयरनेस, नो इमोशंस ऑफ अदर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का, नोइंग अदर्स, दूसरों के ख्यालात का अंदाजा लगाएं, फोरकास्टिंग करें कि दूसरों के इमोशंस कैसे हैं, एंड देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अपने रिलेशनशिप्स को संभालें, रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन यू मैनेज योर रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है, तो ये ईआई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ये 4 स्ट्रेटजीज हैं जो आपके ईआई को इंप्रूव करती हैं, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को बताती हैं, बेसिकली ईआई एक एबिलिटी है मैनेज करने की और समझने की अपने इमोशंस को पॉजिटिव वे में और कंस्ट्रक्टिव वे में, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जितना आपका इंटेलेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका आईक्यू है, इंटेलेक्चुअल इंपॉर्टेंस, ये आपकी इंटेलेक्चुअल क्वोशंट है, इंटेलिजेंस क्वोशंट है, इसी तरह इमोशनल क्वोशंट भी इंटेलेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ये कॉग्निटिव लेवल है, दिस इज कॉग्निटिव लेवल एंड दिस इज इमोशनल लेवल, ये आपका राइट ब्रेन है, ये आपका लेफ्ट ब्रेन है, फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में टाइम मैनेजमेंट पढ़ा था, आपको याद होगा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सवाल भी आया था पास पेपर में, सितंबर में क्वेश्चन था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर 5 नंबर का, तो टाइम मैनेज करें कैसे करें, रेगुलर ब्रेक्स लें, लीव अर्ली इन द मॉर्निंग टू अराइव ऑन टाइम, ओवर कमिट ना करें, बैक टू बैक मीटिंग्स ना रखें, एक बैलेंस स्केड्यूल बनाएं, प्लानिंग करें अपने टाइम की,
इसी तरह अपने टास्क को मैनेज करें, टास्क मैनेजमेंट के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, डेलीगेट करें, एम्पावर करें अपने से नीचे वालों को, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा अपना कम बर्डन में ला सकें। सब डिवाइड करें प्रोजेक्ट को छोटे मैनेजेबल टास्क के अंदर, टास्क को प्रायोरिटाइज करें। टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, जो काम है वो आपने करना है ना, आपकी अपनी जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अपना ख्याल रखें। डूइंग एन ऑनेस्ट यू नो ट्रीटमेंट ऑफ योर ओन बॉडी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलर करें, जंक को अवॉइड करें, ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू अवॉइड जंक। सोशल मीडिया, मतीन ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल अपना जो है वो अपना बात की है। सोशल मीडिया जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है स्ट्रेस क्रिएट करने का। एग्जैक्टली, बल्कि एक रिसर्च के मुताबिक, आप सुन के हैरान होंगे, मैं कभी रिसर्च पढ़ रहा था, 1 out of 3 इंडिविजुअल्स ऑन फेसबुक आर डिप्रेस्ड ऑफ लाइफ ऑफ अदर्स आर बेटर देन देम। हर 3 में से एक बंदा जो है फेसबुक के ऊपर, वो दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी से बेहतर समझता है, और वो इस चीज से डिप्रेस अपना शिकार हो जाता है, टेंशन का और डिप्रेशन का। ये रिसर्च का आउटकम है, दिस इज आउटकम ऑफ रिसर्च, कि हर 3 में से एक यूजर जो है ना फेसबुक का, वो डिप्रेस है सिर्फ इसलिए कि वो दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी से बेहतर समझता है। तो ये भी एक रीजन है स्ट्रेस का। सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस के लिए। सोशल क्लाइमेट को बेहतर करें, मैनेजमेंट स्किल्स को इंप्रूव करें, कंसल्टेशन करें, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था, पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जो है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपकी ओवरऑल स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करेगा। इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सारी कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं स्ट्रेस की, ऑल ऑफ दीज। ये बड़े कुछ जेनेरिक एरियाज हैं, यू मस्ट बी नोइंग दैट हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस इन एन इफेक्टिव मैनर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से, सोशल डेवलपमेंट के हवाले से, डिफरेंट तरीकों से आप स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकते हैं। एम्प्लॉई बिहेवियर जो हमारा 6th चैप्टर है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 3 की एरियाज। इसके अंदर 3 की एरियाज हैं, इस चैप्टर के अंदर 3 की एरियाज हैं। इन द 6th चैप्टर वी हैव परसेप्शन, एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एंड स्ट्रेस। ठीक है, ये 3 की एरियाज हैं हमारे पास, और ये तीनों एरियाज जो है ये ऑर्डर नहीं है। परसेप्शन, the way we give a meaningful picture to the outside world, attitude, the deeply held feelings and intentions we have against an object, against anything, or job satisfaction, the positive feeling a person derives from a job, job stress, a feeling of detachment, a negative feeling jo aap ek job se derive karte hain, ye aapka stress kehlata hai. Perception sabse pehle aati hai, isme humne discuss kiya perceptual process kya hota hai, perception ko hum kis tarah use karte hain, we introduce perception, define kiya perception ko. प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का इंफॉर्मेशन को और उसे इंटरप्रेट करने का। सेंसेशन में और परसेप्शन में फर्क क्या होता है? सेंसेशन आपकी 5 सेंसेस पे बेस करती है, जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग करती है, ये इंफॉर्मेशन लेके आती है इदारे के अंदर, और इस इंफॉर्मेशन को फिर आप इवेलुएट करते हैं अपनी कंक्लूसिव, इसके अंदर से आप जो एलिमेंट्स है वो ड्रॉ करते हैं ताकि आप परसीव कर सकें। परसेप्शन आपको अलाउ करती है ताकि आप अपने बिहेवियोरल रिस्पॉन्सेज को फ्रेम कर सकें, अपने एटीट्यूड्स को डेवलप कर सकें। ठीक है जी, परसेप्शन से आगे आपके परसेप्शन किस बुनियाद पे आती है? एटीट्यूड पे, मोटिव पे, इंटरेस्ट पे, एक्सपीरियंस पे, हमने डिस्कस किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट 3 स्टेजेस ऑफ परसेप्शन, सिलेक्शन, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, एंड इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन ड्रॉ करना। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया सेंसेशन को परसेप्शन से। सेंसेशंस आर कॉमन, ये सबके लिए कॉमन होती है। परसेप्शंस आर वेरिएबल, ये हर इंसान की मुख्तलिफ होती है। हर इंसान एक ही किस्म की सोर्स से सेंसेशन को डेवलप करता है, लेकिन उसका जो कंक्लूजन है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन इंटरेस्ट, देयर ओन डिजायर, देयर ओन सिलेक्टिव परसेप्शन। फिर हमने बात की थी जनाब अली परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी की, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सम फैक्टर्स जिसकी बुनियाद पर आप अपने हिसाब से परसीव करते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स आपकी हैबिट, आपकी पर्सनैलिटी, आपके मोटिव, आपके इंटरेस्ट, आपकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। परसेप्शन चेंज करने में नहीं, लोग रिलक्टेंट होते हैं एटीट्यूड को चेंज करने में। परसेप्शन तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे फैक्टर्स पीछे उसके काम कर रहे होते हैं। लाइक परसेप्शन जो है ना, ये सबकॉन्शियसली ड्रिवन होती है।
परसेप्शन जनरली सबकॉन्शियसली डिफाइन होती है, ठीक है ना। परसेप्शन को चेंज करना आपके कंट्रोल में नहीं होता, आपके कल्चर, आपकी लर्निंग, आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, ये चीजें ऑटोमेटिकली उसी तरह से परसीव करवाते हैं कॉन्सेप्ट को। हाँ, परसेप्शन से जब आप एटीट्यूड निकालते हैं तो एटीट्यूड को चेंज करना, उसमें लोग जो है वो रिलक्टेंट होते हैं। पीपल डू नॉट वॉन्ट टू चेंज देयर एटीट्यूड, स्पेशली वो वाले एटीट्यूड जो लोगों के इम्प्लिसिट होते हैं, जो गुंदे हुए होते हैं उनके अंदर। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके इम्प्लिसिट एटीट्यूड है वो चेंज नहीं होते, दे आर डिफिकल्ट टू चेंज। फिर हमने जनाबे अली परसेप्चुअल शॉर्टकट्स की बात की थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम पास पेपर देखते हैं सिक्स चैप्टर के, उसमें आप देखेंगे कि सिक्स चैप्टर में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन इवेल्युएट किया गया है पास पेपर में वो यही वाला सवाल है, परसेप्चुअल शॉर्टकट्स वाला। इसके बाद हमने जंप किया था जी एटीट्यूड्स के ऊपर। एटीट्यूड्स आर डीपली हेल्ड इंटेंशंस, एक फीलिंग होती है, एक सोर्स ऑफ फीलिंग होती है जो आप डेवलप करते हैं परसिस्टेंटली, परसिस्टेंसी के साथ। जल्दला आ रहा है? यस, अर्थक्वेक। Okay, so again it was the second earthquake of the month. Anyhow, attitudes की बात की थी हमने। Attitudes क्या होते हैं, किस तरह develop किए जाते हैं और क्या impact create करते हैं लोगों के overall understanding के ऊपर। Attitude के तीन components देखे थे हमने जनाब। We talked about three components of attitude: कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट, अफेक्टिव एंड बिहेवियोरल कॉम्पोनेंट। कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट थिंकिंग बेस्ड होता है, अफेक्टिव कॉम्पोनेंट जो है ये फीलिंग बेस्ड होता है, और बिहेवियोरल कॉम्पोनेंट जो है इसमें आप प्लान कर लेते हैं किसी एक खास वे में बिहेव करने के लिए। यू थिंक ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। एटीट्यूड्स की दो किस्में होती हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स, ये हमने डिस्कस किया था। इम्प्लिसिट जो इनबिल्ट होते हैं और एक्सप्लिसिट जिनके बारे में इंसानों को पता होता है, द एटीट्यूड विच आर नोन बाय द पीपल, इधर यू स्ट्रांगली सपोर्ट और यू स्ट्रांगली अपोज समथिंग, ठीक है। और इम्प्लिसिट एटीट्यूड जो है ये आपके कल्चर पे बेस करते हैं, आपकी वैल्यू पे बेस करते हैं, इनको चेंज करना मुश्किल होता है, दे आर डिफिकल्ट टू चेंज। इम्प्लिसिट एटीट्यूड जो है दे आर डिफिकल्ट टू चेंज, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, दे आर डिफिकल्ट टू चेंज, ठीक है। और जो आपके एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जनाब हमने जंप किया था डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं आपके रिगार्डिंग योर एटीट्यूड्स,
कल्चरल वेरिएशन, ठीक है, इसमें पूरा हॉफस्टेड का मॉडल आया था, हॉफस्टेड मॉडल ऑफ कल्चरल वेरिएशन हमने जो है इसमें डिस्कस किया था, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब स्ट्रेस. ये हमने जॉब सेटिस्फेक्शन हमने कल डिस्कस किया था, और स्ट्रेस हमने आज डिस्कस किया. लेट मी जस्ट ब्रिंग ओवर इन फ्रंट ऑफ यू द पास्ट पेपर फ्रॉम द सिक्स चैप्टर, और फिर उसको देखते हैं कि सिक्स चैप्टर में अभी तक किस किस किस्म के क्वेश्चन को एग्जामिनर ने इवेलुएट किया है. What sort of questions have been evaluated in the past papers? Okay. So just a pause of 5 minutes. Let me just bring it out from my laptop. ओके, ये सिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस जो के अभी तक पिछले अटेम्प्ट्स में अपेयर हो चुके हैं, दीज क्वेश्चंस आर बीएमबीएस में जो एम्प्लॉई बिहेवियर, इसका इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा रहा है. उससे पहले बीसीबीएस में भी इसका टॉपिक होता था, लेकिन उसमें सिर्फ परसेप्शन हुआ करती थी और एटीट्यूड, दो टॉपिक होते थे. सितंबर 2015 जो अभी अपना रिसेंट अटेम्प्ट गुजरी है, इसमें स्ट्रेस के ऊपर एक क्वेश्चन था फ्रॉम द सिक्स चैप्टर वर्थ 5 मार्क्स. 5 एनवायरमेंटल एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस. वर्क रिलेटेड मींस ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है, जैसे हैजर्ड्स की बात है इसके अंदर, जैसे वर्किंग कंडीशंस की बात है, जैसे इसके अंदर आपकी एक्सट्रीम प्रेशर टू परफॉर्म, ये सारे आपके वर्क रिलेटेड फैक्टर्स हैं, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कोई से 5 फैक्टर्स बताएं जो एनवायरमेंटल हों. अब इसमें You must not elaborate all the factors from environmental. 5 के 5 ये वाले या 5 के 5 ये वाले नहीं, आपने बता देने. इन दोनों में से आपने combinations जो है उसको आपने establish करना है. कोई 2 या 3 एक में और 2 या 3 भी एक में से. So very straightforward question appeared from the sixth chapter in September from topic of job stress. Triggers of job stress दो, organizational and environmental. इनको आपने explain करना. Question number 5 जो बहुत सारे chapters में डिस्कस किया गया है, पहले भी हमने इसे फोर्थ में डिस्कस किया है, इसको हमने फिफ्थ में डिस्कस किया है कल्चर में, और इसको हमने डिस्कस किया है फर्स्ट चैप्टर में. इसमें से 3 टर्म्स जो हम डिस्कस हो रही हैं, जो कि आपके इस चैप्टर में से आ रही हैं, 2 टर्म्स हैं, ए स्टीरियोटाइपिंग एंड डी हॉलो इफेक्ट. ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग हमने डिस्कस किया था कि किसी एक ग्रुप की बुनियाद पे, किसी एक ग्रुप की बुनियाद पे किसी एक इंडिविजुअल को जब आप परसीव करते हैं, दैट इज स्टीरियोटाइपिंग, या किसी एक इंडिविजुअल की बुनियाद पे आप उसके पूरे ग्रुप को अगर आप परसीव करें, दैट कॉल्स फॉर स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर. एंड डी इज हॉलो इफेक्ट. हॉलो इफेक्ट कहते हैं किसी एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट की बुनियाद पे, किसी एक करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे अगर आप किसी को परसीव करते हैं एज अ टोटल, तो ये कहलाता है हॉलो इफेक्ट. दीज आर द 8 स्टेटमेंट्स, टोटल 12 टर्म्स हैं, और इसके अगेंस्ट टोटल 8 स्टेटमेंट्स हैं, और हर प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट को आपने किसी एक केस के साथ मैच करना है. इफ यू रीड फर्स्ट 2 स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट आप देखें, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम शाहिद इज ऑफन लेट इन रीचिंग टू हिज ऑफिस, हिज सुपरवाइजर समद कंसीडर्ड दिस एन अनडिजायरेबल ट्रेट एंड इवेलुएट शाहिद एनुअल परफॉर्मेंस बेसिस ऑन दिस क्राइटेरियन. ठीक है ना, अब देखें सिर्फ एक एट्रीब्यूट की बुनियाद पे कि वो सिर्फ ऑफिस लेट आता है, आप उसे एनुअल परफॉर्मेंस को आप उसकी जो है वो अप्रेज करने, ये है हॉलो इफेक्ट. दिस इज हॉलो इफेक्ट. किसी एक एट्रीब्यूट की बुनियाद पे जब आप किसी एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी को इवेलुएट करेंगे, इसे हम नाम देते हैं हॉलो इफेक्ट को. अच्छा, सेकंड वाले पढ़े, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट वर्कर्स फ्रॉम सर्टन रीजन ऑफ द कंट्री परफॉर्म बेटर इन फिजिकली चैलेंजिंग शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री. ये है स्टीरियोटाइपिंग. दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्टीरियोटाइपिंग. किसी एक ग्रुप की बुनियाद पे, यानी ये खास रीजन से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के अंदर. तो ऑन द बेसिस ऑफ अ ग्रुप आप एक इंडिविजुअल को परसीव कर रहे हैं, ये होती है स्टीरियोटाइपिंग. ठीक है, तो ये एक एक नंबर की 2 टर्म्स थी जो पहले दोनों में यूज की जा रही थी. हॉलो इफेक्ट पहली में आ रही है और स्टीरियोटाइपिंग जो है वो सेकेंड वन में आ रही है. सो आपका जो 7 नंबर टोटल सितंबर की अटेम्प्ट में, टोटल 7 मार्क्स जो हैं
ये 6 चैप्टर में से इवेलुएट किए गए थे और रिमेनिंग को 11-12 नंबर जो है वो आपके मोटिवेशन के चैप्टर में से आए थे। 6 और 7 चैप्टर में से ज्यादा एम्फोसिस जो है वो 7 चैप्टर के ऊपर होता है एग्जामिनर का। 6 चैप्टर के ऊपर एम्फोसिस होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना। अप टू 45-50% जो मार्क्स हैं वो 6 चैप्टर में से होते हैं, और 60% तक जो नंबर होते हैं क्वेश्चन के 12-13 नंबर जो होते हैं वो आपके 7 चैप्टर में से होते हैं। मार्च का क्वेश्चन देखें, मार्च में बीएमबीएस की जो अटेम्प्ट थी 2015 में पिछले साल, उसमें 2 नंबर में उसने आपसे डिफाइन करवाई टर्म एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, 3 कॉम्पोनेंट्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियोरल। तो 6 और 2, 8 नंबर का क्वेश्चन आया सिर्फ एटीट्यूड के टॉपिक में से, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ आपका एटीट्यूड के टॉपिक में से। सो एक इंपॉर्टेंट, अगेन सिर्फ एटीट्यूड का टॉपिक उसने इवैल्यूएट किया फ्रॉम द 6 चैप्टर, 8 नंबर इवैल्यूएट किए, ठीक है जी। परसेप्शन को उसने इवैल्यूएट किया सितंबर 2014 में, परसेप्शन वाज इवैल्यूएटेड इन सितंबर 2014 जी। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि ऐसा ही है। परसेप्शन वाज इवैल्यूएटेड, डिफाइन द टर्म परसेप्शन और लिस्ट द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल परसेप्शन टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और पर्सन। अब देखें, एक बात याद रखें, रिमेंबर वन थिंग दैट बीएमबीएस के अंदर जो एग्जामिनर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करता है दैट इज वेरी मच कैलकुलेटिव, बहुत कैलकुलेटिव होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिछले सवाल में देखें, इफ यू लुक इन टू द प्रीवियस क्वेश्चन, 6 नंबर है, ठीक है। इट मीन्स दैट देर आर 2 मार्क्स एलोकेटेड टू ईच ऑफ दीज फैक्टर, हर एक के 2 फैक्टर है। अब इसके अंदर इन 2 नंबरों को आपने कैसे जस्टिफाई करना है, 1 नंबर है इसको डिफाइन करने का और 1 नंबर है इसकी एग्जाम्पल देने का। पेपर के अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर ने बड़े कैलकुलेटिव मार्क्स रखे होते हैं। रिमेंबर क्वेश्चन के नंबर जो है वो बड़े इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो आपने बड़ी आसानी से पहले तो आपने ये असेस करना है कि ये नंबर जो है ये किस चीज के हैं, व्हाट आर द मार्क्स एलोकेटेड फॉर। अब 3 नंबर का सवाल है परसेप्शन के ऊपर, पहले तो डिफाइन करेंगे एक जुमले में परसेप्शन को। परसेप्शन क्या होती है, ये प्रोसेस है टू गिव अ मीनिंगफुल पिक्चर टुवर्ड्स आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। लेट्स सपोज इन 3 में से 1 नंबर की डेफिनेशन है, 1 मार्क इज फॉर डेफिनेशन, ठीक है, और रिमेनिंग 2 मार्क्स जो है वो उन फैक्टर्स को बताने के। अब 2 नंबर का मतलब है कि अगर आधे आधे नंबर का भी हो तो आपने कम से कम 4 फैक्टर जरूर लिखने, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, एक्सपीरियंस, बिलीव, वैल्यू, कल्चर, ठीक है। मतलब अगर हाफ मार्क का भी अगर एक फैक्टर आप सोचें तो एटलीस्ट 4 फैक्टर्स लाजमी लिखने, ठीक है। तो नंबर्स को आपने बड़ा क्लियरली जो है वो कैलकुलेटिवली डिस्कस करना है। बीएमबीएस की सितंबर की अटेम्प्ट में 2014 में सिर्फ 3 नंबर का सवाल आया था 6 चैप्टर में से, ओनली 3 नंबर। अभी देखें जॉब सेटिस्फेक्शन में क्वेश्चन नहीं आया बीएमबीएस में अभी तक, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दफा बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि एग्जामिनर एटीट्यूड वाले टॉपिक में से जॉब सेटिस्फेक्शन को इवैल्यूएट करेगा। एग्जामिनर माइट बी इंटरेस्टेड इन इवैल्यूएटिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। अच्छा, बीसीबीएस में भी ये टॉपिक हुआ करते थे परसेप्शन के और एटीट्यूड के। बीसीबीएस में 2013 जो आखिरी अटेम्प्ट थी बीसीबीएस की सितंबर में, उसमें क्वेश्चन आया था परसेप्चुअल एरर्स का, 5 मार्क्स, ठीक है, 5 नंबर का सवाल था। आइडेंटिफाई करें, यू हैव टू आइडेंटिफाई। अच्छा, जनरली जहां पे वर्ड आइडेंटिफाई हो या जहां पे वर्ड एनलिस्ट हो वहां पे आपने सिर्फ नाम देने होते हैं। व्हेन एवर द वर्ड एनलिस्ट एंड आइडेंटिफाई आर यूज, तो आपने सिर्फ यहाँ पे नाम देने, कंट्रास्ट इफेक्ट, हॉलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, प्रोजेक्शन, ठीक है, वो जो 5 नाम है। बीसीबीएस स्प्रिंग 2013 सेम क्वेश्चन, लेकिन अब के सवाल जो है वो 6 नंबर का। नाउ द क्वेश्चन इज वर्थ 6 मार्क्स, डिफाइन द टर्म परसेप्शन। अब देखें 1 नंबर जो है वो डिफाइन करने का है परसेप्शन को। हाँ, ब्रीफली एक्सप्लेन मीन्स यू सिंपली हैव टू गिव द कॉन्सेप्ट इन ईदर बुलेट्स और अ पैराग्राफ। अब देखें 6 मार्क्स में से 1 नंबर है डेफिनेशन का और अगेन रिमेनिंग 5 मार्क्स है, वो 5 मार्क्स है नरेट। नरेट मीन्स अगेन बताएं, ठीक है, नरेट भी आपका एनलिस्टिंग ही होता है, सिर्फ आपने लिस्ट डाउन करने होते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन का वर्ड यूज करें, या फॉर एग्जाम्पल आपसे कहे कि अपना एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, कंसेप्चुलाइज, तो उसमें आप फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। बीसीबीएस सितंबर 2011 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए एंड बी जॉब स्टेट्स के ऊपर आया।
क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट 2011 में, 8 से 4.5 साल पहले, जॉब स्ट्रेस का क्वेश्चन और सिम्टम्स ऑफ जॉब स्ट्रेस। अब एक नंबर जो है वो डिफाइन करने का और 3 मार्क्स जो है उसके सिम्टम्स बताने के हैं, बिहेवियरल सिम्टम। अब अगर आधे आधे नंबर का भी सिम्टम अगर आप कैलकुलेट करें तो कम से कम 6 सिम्टम्स आपने लाजमी लिस्ट करने, ठीक है। तो 4 मार्क्स यहां से आए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सेम पेपर में 2011 के सितंबर में एटीट्यूड पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एटीट्यूड एंड आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। अगेन टर्म को डिफाइन करना और उसके बाद उसके तीनों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना। अब ये 8 नंबर का अगर सवाल है तो 8 नंबर में से 2 नंबर इसको डिफाइन करने के हैं और रिमेनिंग 6 नंबर जो है वो आपके उसके ब्रीफली एक्सप्लेन करने के हैं कंपोनेंट को, दो दो नंबर हर एक हैं। तो मार्क्स आर वेरी मच कैलकुलेटिव, रिमेंबर दिस थिंग, मार्क्स जो होते हैं पेपर के दे आर हाईली कैलकुलेटिव। और आपको ये इंशाल्लाह हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर एक सेशन करेंगे कोर्स को खत्म करने के बाद, उसमें आई विल गाइड यू अगेन कि किस तरह आपने एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर की अप्रोच को समझना होता है कि उसने ये नंबर क्यों इतने एलोकेट किए हैं। अगर आप मार्क्स को समझ जाएंगे ना, मार्क्स एलोकेशन को, तो आपके लिए क्वेश्चन को समझ कर उसे एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू एक्सप्लेन द आंसर बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है जी। सो इस दफा की अटेम्प्ट में अभी तक जॉब सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन इवेलुएट नहीं हुआ। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कैसे मेजर की जाती है, इसके आउटकम्स क्या होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। तो मार्च 2016 में आई रैंक जॉब सेटिस्फेक्शन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी इवेलुएटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी इवेलुएटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। ये पास्ट पेपर एनालिसिस जो है ना, हमें एक थीम भी बता देता है। जैसे हमने 11 चैप्टर का पास्ट पेपर एनालिसिस किया, अच्छा ये जो फाइल है ना, जो आपके पास पहले फाइल मौजूद है उसमें सितंबर अटेम्प्ट के पेपर डिस्कस नहीं है, तो ये फाइल भी मैं अभी आपको ईमेल कर देता हूँ जी। प्लीज मतीन, व्हाट इज द सजेशन। मदीन साहब, स्पीड को तो हम चले ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, अगेन जस्ट बिकॉज के टाइम स्क्वीज है हमारे पास। लेकिन खैर, अब समझ लें आपके हमने की एरियाज को कवर तो कर लिया है, तो यस वी कैन स्लो डाउन द स्पीड टू सम एक्सटेंट, ये हो सकता है। मंडे को एक्चुअली इशू ये है कि मंडे को ना मेरी यूनिवर्सिटी में होती है अपनी क्लासेस, तो मंडे का मैंने दिन रखा ही टेस्ट के लिए था, मतलब मंडे को वी कांट हैव द क्लास, ठीक है। मैं इसलिए मंडे को आपका टेस्ट करवा लेता होता हूँ कि क्लास टाइमिंग जो है वो भी ज्यादा ना हो और आप ड्यूरिंग क्लास टाइमिंग थोड़े से पंक्चुअलिटी के साथ आके आप टेस्ट कर लें, ठीक है ना। तो टेस्ट जो है वो क्लास टाइमिंग में ही रहने दें, वो फिर मेरे अपने कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। बाकी जो हमारे 5 डेज है उसमें हम इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम इतना अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं कि हम पीछे नहीं जा रहे कोर्स में। वी हैव कम्प्लीटली 4 वीक्स लेफ्ट, अगले मंडे से लेकर 31 जनवरी तक हमारे पास 4 हफ्ते हैं। तो इन 4 हफ्तों में इंशाल्लाह आपके सारे टेस्ट भी हो जाने ऑन एवरी मंडे, प्लस मैंने इंशाल्लाह अगले हफ्ते के बाद, लाइक द वीक विच इज गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 11th of January, जो हफ्ता 11 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसमें हमने इंशाल्लाह पार्ट्स के टेस्ट भी प्लान कर ले रहे हैं। पार्ट 1 ए, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5 चैप्टर, पार्ट 3, 6 एंड 7 चैप्टर, पार्ट 8, 9 एंड 10 और पार्ट 11। तो हमने इंशाल्लाह 11 जनवरी से जो वीक कमेंस होगा उसमें हम ऑफ द क्लास टाइमिंग में पार्ट्स के टेस्ट भी प्लान करेंगे। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस, ठीक है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना विजिलेंटली प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप आसानी से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें पेपर के लिए, ठीक है। ये फाइल मैं आपको अभी ईमेल कर दूंगा, इसमें जो पहले फाइल आपके पास मौजूद है ना उसके अंदर
ये सितंबर वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, मैंने अभी अपडेट किए हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस फाइल। मंडे को टेस्ट स्केड्यूल्ड है फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर का, चेंज मैनेजमेंट का और कल्चर का। ठीक है जी, मंडे को जो आपका टेस्ट प्लान है दैट इज चेंज मैनेजमेंट एंड कल्चर। शहरियार आपको टेस्ट थर्ड चैप्टर का टेस्ट नहीं मिला? आई विल वेरीफाई इट। आपको तो तीनों मैंने चेक किए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों मार्क किए, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, एंड अदील आप भी जरा काइंडली टेस्ट को थोड़ा सा फोकस करें, ट्राई टू अपेयर इन द टेस्ट। टेस्ट अटेम्प्ट करना जो है ये आप ही के लिए है, बिकॉज इट इज गोइंग टू मेक यू परफॉर्म वेल एंड मेक यू कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग द ओवरऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो मंडे के टेस्ट में आई एक्सपेक्ट के सारे लोग जो है वो फोर्थ और फिफ्थ कल्चर और चेंज का टेस्ट जो है उसमें आएंगे। अगर आप हमारा मोटिवेशन का है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, मोटिवेशन का चैप्टर। और उसके बाद है लीडरशिप, ये सेवन्थ और एट्थ चैप्टर जो है आपके, ये अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और आपके पेपर में आप समझ लें कोई 35, 30 to 35 मार्क्स जो है ना, कम से कम 30 से 35 नंबर इन दो चैप्टर में से आते हैं। यानी आप देखें कि आपकी बुक के तीन चैप्टर जो है ना, थ्री चैप्टर फ्रॉम द बुक, चैप्टर नंबर 8, 7, 8 एंड 11, ये तीनों चैप्टर्स कलेक्टिवली अप टू 50% कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पेपर में। ऑल ऑफ दी थ्री चैप्टर्स कंट्रीब्यूट अप टू 50% योर पेपर। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग 50% है वो रिमेनिंग आपके 8 चैप्टर्स में से। तो मोटिवेशन का चैप्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करता है कम से कम 12 से 13 नंबर। आठवां चैप्टर जो है ये कंट्रीब्यूट करता है एटलीस्ट 12 to 14 मार्क्स। तो 25-26 नंबर जो है उसमें से आ जाते हैं, 16 नंबर आपके आ जाते हैं 11 में से, तो अप टू 50%। कभी 43 मार्क्स होते हैं इसमें से, कभी 44 मार्क्स आ जाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ये आपका। तो सेवन्थ और एट्थ में हमारी स्पीड स्लो रहेगी इंशाल्लाह, आई विल मेक श्योर कि इसमें अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। और इसमें थ्योरीज बहुत सारी हैं, सेवन चैप्टर में टोटल 9 थ्योरीज है हमारे पास। वी हैव 9 थ्योरीज इन, अभी तक हमने मैक्सिमम थ्योरीज पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद थ्योरीज आएंगी सेवन चैप्टर में, और आठवें चैप्टर में हमारे पास टोटल 6 थ्योरीज है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 6 थ्योरीज इन 8 चैप्टर। सो थ्योरीज वाले टॉपिक वैसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सी यू इंशाल्लाह आफ्टर टेस्ट। टेस्ट मंडे को जरूर अपना आप सबने अटेम्प्ट करनी है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।